साइलेंसर भी मैंने एक परचेज कर लिया है। एक प्रोजेक्ट पे भी हम वर्क कर रहे थे, कॉलेज का प्रोजेक्ट था एक छोटा सा, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप से आर्डिनो को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैरेज। तो भाई आज आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि जो हमारी वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो भाई ये वाली वीडियो काफी ज्यादा लेट हो गई है बिकॉज ऑफ मेरे ना एग्जाम भी चल रहे थे और है ना एक प्रोजेक्ट पे भी हम वर्क कर रहे थे, कॉलेज का प्रोजेक्ट था एक छोटा सा, तो वो भी आज आपको दिखाएंगे। एक छोटी सी हमने कार बनाई है यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग बेस्ड कार है वो, और फुल्ली मतलब हम ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं उस कार को, और हमने उसमें एक सेफ्टी फीचर भी ऐड ऑन करा था, वो भी दिखाएंगे। अपने स्प्लेंडर में भी छोटी मोटी मॉडिफिकेशंस कराने चलेंगे। तो पहले तो जब भी मैं वीडियो लेट बनाता हूँ तो आपको पता ही है कि एग्जाम वगैरह में मैं बाइक की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, तो क्या ना बाइक गंदी हो जाती है। तो पहले सबसे पहले बाइक को साफ करते हैं, उसके बाद सीधा चलते हैं, पहले स्प्लेंडर मॉडिफिकेशंस कराएंगे, उसके बाद उस कार को खेत पे लेके चलेंगे और फिर वहां पे बढ़िया ऑफ रोडिंग करेंगे, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए अब सीधा बाइक को मैं जल्दी से साफ कर लेता हूँ। ओ मेरे नाल लड़के तू बाली जाते, तेरे बिना अखा कदा पल बलिए, मेरिया तना विच जावे रज कर मेरे मसले दा हल बलिए। भाई हमने बाइक तो अच्छे से अपनी साफ करी ली, आप देख सकते हो एकदम शाइन मार रही है अच्छे से, और बल्कि यहाँ तक लाने में भी थोड़ी सी गंदी होगी, ब्लैक बाइक थोड़ी ज्यादा जल्दी गंदी हो ही जाती है। तो अब जल्दी से चलते हैं, स्टिकर या ग्राफिक वगैरह कुछ डिजाइन कराते हैं अच्छा सा, उसके बाद मैं आपको वो कार दिखाता हूं। भाई स्टिकर अपना ऑलमोस्ट रेडी है, अभी लगवाते हैं फटाफट से। पहले वो वाला जो स्टिकर है ना उससे बिल्कुल मन भर गया, उसको रिमूव करवा के और फिर दूसरे वाला अपना लगवा देंगे जो मैंने अभी बनवाया है। होप करता हूँ काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा, अब देखते हैं आगे लगने के बाद। तो भाई स्टिकर लगवा के हम आ चुके हैं और अब एक बार मैं आपको जल्दी से स्टिकर दिखा देता हूँ। क्या है ना, काफी दिन हो गए थे उस वाली ग्राफिक को लगे हुए, तो मैं बिल्कुल उससे बोर हो गया था उस वाली ग्राफिक से, तो इस वजह से मुझे कुछ न्यू ट्राई करना था, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके की कुछ ग्राफिक करा दी है। और आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसा लग रहा है, प्लीज आपके कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा वेट रहता है और सभी भाइयों के मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और तो जल्दी से आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि आपको स्टिकर कैसा लग रहा है। बाकी मैंने जो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मेरा हैंडल भी शो हो रहा होगा, उनको तो साथ साथ ही इन्फॉर्म हो गया होगा कि मैं अपनी बाइक में ये करा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ। यूट्यूब पे फिर भी मैं थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ डालने पर, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आप भी मुझे वहाँ पे फॉलो कर लिया करो तो आपको भी पता चल जाएगी मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में ना कि बाइक आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट चेंज क्या करें। साइलेंसर भी मैंने एक परचेज कर लिया है, तो वो भी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कौन सा है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। थोड़ा सा बैंड पाइप वगैरह बनवाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से वो वीडियो भी थोड़ी डिले हो रही है। और बाकी गाइज एग्जाम वगैरह थोड़ी स्टडीज के चक्कर में मैं बिजी हो जाता हूँ, इस वजह से बस लेट हो जाता हूँ, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। तो भाइयों अब जल्दी से चलते हैं हम खेत पे उस गाड़ी को लेकर, और मैंने आपको दिखाई दिया होगा कि कैसे कैसे उसमें प्रोग्रामिंग होती है। तो सबसे पहले अगर नहीं देखी है तो प्रोग्रामिंग देख लो कैसे होगी। तो भाइयों देखना, अब ये ना मैंने अपने लैपटॉप को ऑन कर लिया और जो इसकी इसको कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप से आर्डिनो को, तो आर्डिनो यहाँ से कनेक्ट हो जाता है। जिन भाइयों ने करा होगा उनको तो पता भी होगी यहाँ से कनेक्ट करके, और अब जल्दी से इसके अंदर कोडिंग डाल देता हूँ। अभी देखना, तो देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल लगा हुआ है, अच्छे से ब्लिंक कर रहा है, और अब जल्दी से इसके अंदर मैं कोडिंग डाल देता हूँ। तो भाइयों अब मैंने आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉपर कार कैसी है हमारी, ये देख सकते हो। और ये मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट था, तो इसको हमने 4x4 बनाया हुआ है, और देख सकते हो नीचे 4 गियर मोटर्स लगाई हैं मैंने, और ताकि ये कनेक्ट हो जाए। बाकी हमने इसको कोडिंग से
आर्डिनो की हेल्प से किया हुआ है और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज किया है। दूसरा स्पेसिफिक पर्पज जो है इस कार का वो ये है कि इसमें आप ये सीट बेल्ट चेक कर रहे हो ना, तब तक जब तक ये सीट बेल्ट लगी रहेगी ना तब तक तो ये कार मतलब इजिली आप इसको चला सकते हो। अदरवाइज अगर ये सीट बेल्ट लगी नहीं हुई ना तो ये कार ऑन तो रहेगी बट मूवेबल नहीं होगी। हमने ये इसमें एक फीचर एड ऑन किया है तो अभी इसको लगा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे बैटरी को अभी कनेक्ट करेंगे और फिर आप देखना यहाँ पे हम इसको खेत में एकदम बढ़िया तरीके से चलाएंगे और देखना कितनी ज़्यादा बढ़िया से चलती है ये। और आप देख सकते हो नीचे मैंने कार्डबोर्ड से इसका बेस बनाया हुआ है और टायर वगैरह कार्डबोर्ड से बना रखे हैं तो, और बाकी पेंट करके थोड़ा बहुत इसको मॉडिफाई भी कर रखा है। देख सकते हो हमारे प्रोजेक्ट भी मॉडिफाई रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और सबसे बढ़िया तो ये है कि ये ऐप से कंट्रोल हो जाती है, तो देख सकते हो ये वाला इसका ऐप है। और अब इसको कनेक्ट करते हैं जल्दी से ना और फिर देखना कितनी बढ़िया से चलती है ये। मैं जल्दी से इसको ऑन करता हूँ, मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दी है और अब ये यहाँ से कनेक्ट कर देगा ना। तो भाई आप देख सकते हो कि कनेक्ट हो चुकी है हमारी कार और जैसे ही मैं देखना भी इसको देख रहे हो मूव कर रही है और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा। और जब मैंने इसकी वीडियो डाली तो काफ़ी बोल रहे थे कि भाई आपने रिमोट कंट्रोल उस किसी के हाथ में तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, इसके कुछ हाथ में नहीं है। अभी जस्ट ये आपको चला के दिखाएगा तो देख सकते हो। और दूसरा इसकी ना स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और रही बात उसकी तो सीट बेल्ट देख सकते हो अभी लगी हुई है तो ये मूव कर रही है, अदरवाइज ये मूव भी नहीं करती। हमने ये इसमें एक फीचर एड ऑन किया, आप जल्दी से आप इसके सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। पता नहीं तलाशी बच्चों की लब जे अखा में सुरमा काला कुला ते लारे नी मुंह ते मुस्कारा झूठा जो परदे पावे नी किन्ने आ पिछे लाए ते किन्ने चारे नी गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटदे तारे नी मेरा खैदा जितरी तू दुनिया जब मेरे खैदे ते तू जेल में जंदा जत्ता के है की करदा चला पिछे कदों आया जेल चोते हुण केड़े जब च लगदा है देख ही ली होंगी मैंने कार वगैरह, देख रहे हो काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाइयों। आपको लग रहा होगा छोटी सी कार है पर काफी ज्यादा मेहनत लगी उसको बनाने में भी, और बाकी उसको भी मैंने फुल मॉडिफाई किया। आपको कार कैसी लगी छोटी वाली कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और बाकी उसका ना मैं आप लोगों के लिए ना एक शॉर्ट भी अपलोड करूंगा तो वहां पे देखना प्लेन रोड पर कैसे ड्रिफ्ट मारती है वो एक नंबर की। तो भाई अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हो या फिर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो फिर आपको जो भी मॉडिफिकेशन दिख रही है ना मेरी बाइक पे तो वो ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप जरूर से जाके देख लेना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट तो जरूर से कर देना। और बाकी एलॉय व्हील्स बहुत जल्दी अरेंज होने वाले हैं, आप 10K सब्सक्राइबर्स करवा दो मेरे जल्दी से, ऐसे अमेजिंग एलॉय व्हील्स इसमें इंस्टॉल करूंगा ना आपको भी मजा आ जाएगा देख के। बिल्कुल ऐसा नहीं है नॉर्मल जो सब लगवा रहे हैं, बहुत यूनिक और बहुत मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी से मिल भी नहीं रहे। मेन इश्यू तो यही है क्योंकि वो यहाँ पे कहीं भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो वाले अलॉयज थोड़ा सा परचेज करने में भी थोड़ा इशू आ रहा है, तो वो सारी चीजें मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। बट आप चैनल को सब्सक्राइब तो करो सबसे पहले तो, और बेल आइकन भी दबा लेना। और आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शो भी हो रहा होगा, जिस भाई को अगर कोई भी क्वेरीज है तो वहाँ पे बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो मेरे से बातें करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हो और आप भी मुझसे बातें कर सकते हो। तो भाई आपको वीडियो किसी भी एंड पर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।